हेलो टू एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई और स्टडीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। और मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब ऑप्शन पे जा कर के आप सभी से पोल करने के लिए बोला था, तो ज़्यादातर बच्चों ने क्लास 12th का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर की डिमांड की है। तो आप सभी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ से आप सभी को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस होता क्या है, तो बायो टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको डिफाइन करूँ कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है जिसमें आप बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, और वो प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को मैं लिखूं यहाँ पर, मेंशन करूं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूज बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक और मॉडिफाई, द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स किसके लिए हैं, तो मेनली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो अगर मैं बात करूं कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और इसमें आप बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट या तो आप बना रहे होते हैं या तो उस प्रोडक्ट को आप मॉडिफाई कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सपोज जब हम कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं या ब्रेड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर वाइन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सभी प्रोसेस जो है ना, ये डिपेंड करती है माइक्रोब्स के ऊपर, ठीक है। तो ऑल आर मीडिएटेड बाई माइक्रोब्स, ठीक। अब देखो, अगर स्मॉल लेवल पर इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, तो आप इन कर्ड का फॉर्मेशन, ब्रेड का फॉर्मेशन या वाइन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको बड़े लेवल पर फॉर्मेशन करना रहता है, मीन्स लार्ज स्केल पर फॉर्मेशन करना रहता है, तब आप यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जीएमओ बोलते हैं, तो इनका बेसिकली यूज आप कब करते हो, यूज व्हेन प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन करना रहता है, तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो आपने अंडरस्टैंड किया कि ये प्रोसेस है, दूसरा एग्जाम्पल आपने ये प्रोसेस अंडरस्टैंड किया, और थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मींस इसी की हेल्प से क्या बनते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी इन्हीं को बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन जो आप करते हैं वो बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का केस है। तो अगर मैं बात करूं कि बायोटेक्नोलॉजी को
अंडरस्टैंड करने के, ठीक है। तो इस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में आप बेसिकली एक टर्म के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, और वो टर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ोगे यहां पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इस टर्म को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था पाउल बोर और हर्बर्ट बोयर ने इन 1973, ठीक है। तो थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 किसने किया था, तो पाउल बर्ग, ठीक है, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने, ये तीनों लोगों ने मिलकर के 1973 में फर्स्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसी का दूसरा नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीटी का फुल फॉर्म क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था पाउल बोर, हर्बर्ट बोर और स्टैनले कोहेन इन 1973। अब देखो इस टेक्नोलॉजी में हम ये चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस्ड है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को लेकर के मिक्स करके एक नया डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन को बिल्डअप करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई आपके पास ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और यहां पर कोई बी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आपने क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। इसी टेक्नोलॉजी को आप क्या बोलते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जेनेटिक मटेरियल को लेकर के मिक्स करके कुछ नए वेरिएंट्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसी का अल्टरनेट नाम क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर मैं इस चीज को डिफाइन करूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, तो आप मेंशन कर सकते हो इट इज अ टेक्नोलॉजी इन विच द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आर्टिफिशियली introduce into another organism, ठीक है। अभी हमने यहां पर यही अंडरस्टैंड किया कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को लेकर के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में आप क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, काइमेरा मॉलिक्यूल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म जीनोम, उसके जीनोम में आपने क्या किया, एड ऑन कर दिया। अब ये क्या करेगा, फर्दर इस ऑर्गेनिज्म में आने के बाद फर्दर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। जब वो रेप्लिकेट होगा तो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेशन करेगा, और फाइनली यहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। आप जानते हो कि जो भी कोई डीएनए सेगमेंट है जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रेप्लिकेशन। जब ये एक्सप्रेस करेगा तो एक एमआरएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए बनने के बाद यहां पर क्या बनेगा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को आप बोलते हो रेप्लिकेशन,
इस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो ट्रांसलेशन। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है एम कि स्पेसिफिक जीन जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन में एक्सप्रेस होगा, अब उस प्रोटीन का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक मटेरियल की ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं इस चीज को डिफाइन करता हूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरडीटी बोल रहे हो, इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या यूज करता है, यूज ऑफ ये दो चीजों को यूज करता है, एक तो यूज करता है किसकी जीन क्लोनिंग और दूसरा यूज करता है जीन का ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो यहां पर जीन को क्लोन किया जा रहा है, ये जीन को क्लोन भी दो तरीके से दो डिफरेंट मेथड से होता है, जिसमें एक आप पढ़ते हो सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग और दूसरा पढ़ते हो सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, जो हम आगे चल करके इसे और भी ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो जब भी यहां पर सपोज कोई आपके पास डीएनए है, ठीक है, सपोज कोई आपके पास एक बैक्टीरियल डीएनए के बारे में आपको मालूम है कि इन ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको ये रीजन जो है, इस रीजन को आपको क्या करना है, ये आपका डिजायर्ड डीएनए है, ये क्या है आपका डिजायर्ड या डिजायरेबल डीएनए है। ठीक है, अब ये तो बैक्टीरियल का क्या हो गया, बैक्टीरिया का ये क्या है पूरा जीनोम है, इस पूरे जीनोम में आपको एक छोटे से पार्ट को लेकर के क्या करना है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इस डिजायरेबल डीएनए को लेकर के आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, इसको एड ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर होता क्या है, अगर इस प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड करो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप मॉलिक्यूलर सीजर्स या आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हो। तो ये क्या यूज करता है, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स को अगर आप डिटेल में देखो तो इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम को आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर सीजर्स ये क्या किसकी तरह काम करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं। मींस ये आपके सपोज ये कोई डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, तो ये सर्कुलर डीएनए में आपको एक स्पेसिफिक पार्ट्स को ही क्या करना है, कट करना है। ठीक है, सपोज ये वो पार्ट है जिसको आपको क्या करना है, कट करना है, ये यहाँ से यहाँ तक का जीन सेगमेंट को आपको क्या करना है, कटिंग कॉज करनी है। तो आप क्या यूज़ करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करोगे और इतने पार्ट को आप कट करके क्या कर लोगे, इतने पार्ट को आप कट करके रिमूव कर लोगे। ठीक है, तो फाइनली होगा क्या कि ये रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम की हेल्प से आपने डीएनए को कट कर लिया और बचे हुए डीएनए को आपने, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगी इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या है, बैक्टीरियल जीनोम है और ये आपका क्या होगा, डिजायरेबल जीन है, ठीक है, या डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट है। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हुआ। अब देखो फाइनली आप इस डिजायरेबल जीन को किसी न किसी जीन सेगमेंट से आप क्या करोगे, एड ऑन करोगे ना, तो फिर यहां पर किसका यूज करोगे, डीएनए लाइगेज,
डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज किसकी तरह काम करता है, ग्लू की तरह काम करता है। ये मींस स्टिकी, ये दो डीएनए सेगमेंट्स को क्या करता है, जोड़ देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा डीएनए सेगमेंट ये है और एक डीएनए सेगमेंट आपका ये है। इन दोनों डीएनए सेगमेंट को अगर आपको स्टिक करना है एक दूसरे के साथ तो आप किसका यूज करोगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स का आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये डीएनए एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। किसके थ्रू हुआ, तो डीएनए बाई डीएनए लाइगेज की हेल्प से हुआ। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप किसी एक ऑर्गेनिज्म का, किसी एक ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिक जीन को आप पहले डिटरमाइन करते हो कि कौन सा जीन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उस जीन को कट करने के लिए आप रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम का यूज़ करोगे, और फाइनली जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में आप उसको एड ऑन करोगे तो वहाँ पर उस जीन को स्टिक करने के लिए आप किस एंजाइम का यूज़ करोगे, डीएनए लाइगेज। तो अभी तक आपने यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ एंजाइम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो कौन कौन से एंजाइम, तो पहला आपने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किस पर्पस से, तो इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या है कि डीएनए को कट करने या कटिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। दूसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम, इसका काम क्या है कि ये ग्लू की तरह काम करता है या दो स्मॉल डीएनए सेगमेंट को क्या कर देता है, एक दूसरे के साथ स्टिक कर देता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को और भी थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूं, तो बेसिकली यहां पर अगर स्टेप्स को आप समझो तो यहां पर स्टेप्स कौन कौन से हैं, अगर इनमें आप थोड़ा सा डिटेल्स में आप देखो तो यहां पर बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है, आप जो डिजायरेबल जीन है जिस ऑर्गेनिज्म का ले रहे हो उसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, पहले आप जीन को आइडेंटिफाई करोगे ना कि कौन सा जीन आपके पर्पस से है का है। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट क्या है, इस डिजायरेबल जीन को आप इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, होस्ट सेल में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, इंट्रोड्यूस ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है कि बेसिकली जब आप इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट सेल एंड ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी। तो यहां पर क्या होगा कि जो मेंटेनेंस हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, अब ये क्या डीएनए करेगा, ये ट्रांसफर इनटू इट्स प्रोजेनी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं इस चीज को आप बता रहा हूं। तो बेसिकली देखो, आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्म किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, या इसी को आप क्या बोल देते हो, काइमेरा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने किस में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर इनटू होस्ट। अब वो ट्रांसफर जो आप कर रहे हो कोई बैक्टीरियल सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल्स अगर आप कंसीडर करके चलते हो तो बैक्टीरिया और ईस्ट। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मींस ये प्रोकैरियोटिक होस्ट है, या अगर आप होस्ट दूसरा लेते हो, ईस्ट लेते हो, तो ईस्ट कैसा है,
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों होस्ट की तरह यूज होता है, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस किस सेंस में है। फाइनली जब ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, मींस जब यहाँ पर डिवीजन होगा, तो इस डिवीजन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, साथ में डीएनए एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स में हम इन्हीं सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पर दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से भी आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी रिवाइज करने में हेल्प होती है। थैंक यू।